लेके हम लोग आए हैं कि एंटरटेनमेंट भी हो जाए आपका, साथ साथ में ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें तंत्र योगा करके है, तांत्रिक में, तांत्रिक अलग है शब्द, तंत्र अलग है, तंत्र योगा जिसमें जितने भी हम योगा जितने करते हैं यहाँ पे प्राणायाम है वो तंत्र की सब नीचे है, पर तंत्र ज़्यादा करके स्पेसिफाई हुआ है विद द साउंड, हम साउंड के साथ में एक्सरसाइज करेंगे। एंड तीन टाइप की मैंने अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कितने केमिकल रिलीज कर रहे हैं, तो उस टाइप के रिलीज केमिकल क्या होंगे वो आपको फील होगा, हम फील भी कराएंगे। तो आपको ये पता था कि हम लोग ये जो साथ साथ में एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं, तो आप उससे परेशान होंगे कि कोई नहीं, यू विल एंजॉय, यू विल नॉलेज मिलेगा, एंजॉय करेंगे। ओके, तो आपने किसने, मैंने किसने बताया ये चीज, ये कॉन्सेप्ट का किसने बताया होगा? आप पहले ये कॉन्सेप्ट से समझ गए पहले से ही कि आपको थोड़ा टाइम समझ गए थे सिंगल लॉन्ग में समझ गए थे कि साथ में, पर ये आपको ये कॉन्सेप्ट का साथ में पता नहीं था, ये जो हम लोग एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं। कानन कोटेचा जी ने हमको बुलाया। अच्छा, मैंने क्या बताया कानन कोटेचा ने आपको, क्या प्रोग्राम है? इट्स अबाउट म्यूजिक एंड योगा। अच्छा, म्यूजिक एंड योगा, ओके। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, सही बात क्या है कि आप आज एक्सरसाइज करेंगे आपको पता चलेगा, ये प्रोग्राम से हमको बहुत लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, एंटरटेन होता है और बहुत हैप्पी हैप्पीनेस फील होता है हमको। बेसिकली आई एंजॉय लिसन टू द सॉन्ग, और साथ में गाना भी जो है वो हम हमेशा सब लोग गुनगुनाते रहते हैं, जो बाथरूम सिंगर बोलते हैं। खैर, अभी तो थैंक्स टू यू कि हमको स्टेज पे भी गाने का मौका मिलता है। तो अभी तक इतना टाइम तक आप इधर बैठ के सुन रहे थे, कभी गा नहीं रहे थे, तो आप गाएंगे और आप समझो कि जो एक्सरसाइज करेंगे
तो एक्सरसाइज तंत्र योगा की जितनी भी एक्सरसाइज है वो साउंड बेस्ड है, तो वोकल कोर्ड ड्राइनेस होता है. तो इट इज मस्ट दैट यू शुड ड्रिंक सिप वाटर. योगा वाले प्राणायाम बोलते नहीं पानी मत पियो, ये मत पियो. मैं बात उल्टा कर रहा हूँ, क्योंकि आप पानी पीना जरूरी है, नहीं तो आपका वोकल कोर्ड ड्राई हो जाएगा. हमने तो आपके पास ही तंत्र योग किया हुआ है. हाँ यस, आई लाइक. बताइए जरा, खड़ी हो जाइए. आई थिंक सी हैज डन कितना 7 कोर्स किया है ना तंत्र योगा का. क्या आपका पहले कौन से मिशन रेसिंग था ना तंत्र योगा का? सोच अलग थी. अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगा था? हाँ, बहुत अच्छे से किया था हमने. रामी जी ने बहुत अच्छे से करवा लिया था. संगीता का ये भी थी हमारे साथ, और बहुत बेनिफिट्स भी मिले थे उससे. अभी धामी जी शायद समझ आते हैं. तो योगा करने के बाद आप यंग हो गए, आपको वो तो बताया नहीं आपने. यंग तो मैं हुई. यंग थी आप. समझो एक्सरसाइज करेंगे ब्रीदोलॉजी, तो आपके समझो कोई मसल्स या स्ट्रेच नहीं हो जावे. तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, थोड़ा नेक की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी शोल्डर की कर लेंगे, और क्लैपिंग करेंगे. तो क्लैपिंग विल गिव यू मोर चार्जिंग द बॉडी, एंड देन विल स्टार्ट विद दी ब्रीदोलॉजी एक्सरसाइज. हम समझो मेरी एज है, तो मैं कहता हूँ मेरी एज 68 साल की है. सही मैं 68 का नहीं हूँ. आई एम जस्ट 6 मंथ ओल्ड. मेरे सेल्स 6 महीने ही पुराने हैं. सब सेल्स गेट न्यू जनरेटेड आफ्टर 6 मंथ. तो हम अपने आप को कहते हैं, सेल को भी बता लेते कि भाई मैं 68 का हूँ, मैं 40 का हूँ, मैं 50 का हूँ. हमें एज नहीं भूलनी चाहिए, अपने आप को अंदर बतानी नहीं चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5. But neurons must talk to other neurons to move messages along. And the way they talk to each other is through chemical messengers. These messengers, called neurotransmitters, cross the tiny gaps in between neurons, ferrying messages from one neuron to the next. When a neuron gets just the right neurotransmitter at just the right time. थर्टी सेकेंड इज द बेस्ट होल्डिंग, जो आपकी ब्रीथ की कैपेसिटी बढ़ाएगा. हाइपरऑक्सीमिक मैं बता रहा हूँ कोई जॉब को. आपने श्वास लिया, मैं आ से कर रहा हूँ. ओके, आ
जब वेन यू डू 30 सेकंड ऑल द राउंड योर लंग कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 4-5 लीटर्स टू 7 लीटर्स. आप भी एक मिनट में एक ब्रीथ ले सकते हैं इजीली. सो दैट टेक्निक हम बताएंगे अपन आज नहीं, नेक्स्ट वर्कशॉप में. आज हम ब्रीथोलॉजी करेंगे. आ ओ ई ओ हम ओ. तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की एक्सरसाइज फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिसके न्यूरो ट्रांसमिशन केमिकल आप रिलीज करें डेली या वीकली, तो दैट विल बी ए बेटर फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो एंड देर इज फिटनेस आपकी रहेगी. एंड आई थिंक मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं करीब 24 घंटा भी काम करूँ आई नेट गेट टायर्ड. श्वास लेना है और देखिए आपको हाथ पे रख दिया है, या फिर आप हाथ नहीं रखते तो आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए. आँख भले बंद है तो पहले आपने लिया धीरे धीरे आपको निकालना नहीं, आवाज के हिसाब से श्वास आपकी जाएगी बाहर. आप पहले श्वास लेना है जितना रेजिस्ट कर सके. हर व्यक्ति की अलग अलग श्वास की कैपेसिटी रहती है, तो आप समझो श्वास को लेके होल्ड करना है, फिर बाद में आवाज निकालनी है. श्वास बाहर निकालना नहीं है और श्वास लेना भी नहीं है.
कैसा लगा? कितनी सोच आई? अब वो देखिए अपने आप में सोच आती कि नहीं आती, दैट इज मेडिटेशन। सोच नहीं आना है वो मेडिटेशन है। तो कहते हैं मेडिटेशन तो धीरे धीरे हम लोग आपको ही ट्रांस में लेके जाते। चलो हम गाना गाए या फिर एक्सरसाइज करें? अरे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। देखो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोट्रांसमिटर। और इस एक्सरसाइज में आप खुद फील करेंगे। फील कैसे? कि आपका हमारे बॉडी के अंदर 80% पानी है, 80% वाटर से। आप एक जो सिंगिंग बॉल आता है, आपने कभी देखा है सिंगिंग बॉल आता है जो आवाज़ करते हैं, तो सिंगिंग बॉल में आप पानी भरो और उससे बाहर से आवाज़ करो, पानी उछलना चालू हो जाएगा। ये आप खुद YouTube में जाके वीडियो देख सकते हैं। सो एक आवाज़ पानी को उछाल सकती है, तो मेरे केमिकल तो रिलीज कर ही सकते हैं ब्रेन में से। आप खुद फील करेंगे। ये सब बाद में घर में कर सकते हैं। तो जैसे गाना गाते हैं तो भी कर सकते हैं। तो अभी दूसरा है टंग टिप, फिर हम लोग करेंगे। ये बहुत बहुत सिंगर के लिए तो मस्ट है। आपने खेतरी पोजीशन देखा, टंग को टच करने का, खेतरी कहते, खेचरी कहते, बड़ा ऊपर टच करके देखो, फिर बाद में बिकॉज दिस इज द पैलेट, एक्टिवेट योर न्यूरोन, न्यूरोन्स को चार्ज करता है। इस एक्सरसाइज एब्रॉड में काफ़ी हो रही है आजकल, ये तंत्र में है, हमें यहाँ से वहाँ है, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग दिस एक्सरसाइज। तो हमें दो दो मिनट करना है या तीन मिनट करना है। तो कैसे करो, पहले हम लोग लीप रोल करते हैं, श्वास लो करो, फिर बाद में रुक जाओ, आपको प्यास लगी पानी पियो। करके करने की आवाज, सच में अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। और आगे पे आएगा, अपना दे
चलो हम लोग अभी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कहते हैं, हाउ टू फुल योर माइंड। तो हमें एक एग्जांपल देता हूँ, हम लैपटॉप लेते हैं या जो मोबाइल है या जो हमारा टैब है या जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बात करते हैं, अभी आप उसके अंदर फाइल पड़ी रहती है और आप डिलीट कर लेते हैं, कैश मेमोरी में भी डिलीट कर देते हैं, आपको दिखता है कि नीचे गिर रहा हूँ, ठीक है, कि बाहर पानी गिर रहा, कहाँ जाती है, कौन हमें कंप्यूटर, हम ऐसे कहते हैं कंप्यूटर जो है वो हमारा माइंड भी कंप्यूटर है, ओके। तो इस कैच मेमोरी जो फंसी हुई है, जो डिलेट नहीं होती है, उससे आपको तकलीफ आती है, वाई यू हैव पेन योर स्ट्रेस, आपको पता ही नहीं कैसे डिलेट करना। तो यू शुड हैव, भगवान ने हमें मैनुअल नहीं दिया अपने बॉडी का, पूरे एयर कंडीशन लो, फ्रीज लो, जो भी लो, मैनुअल मिलता है, हर अपने बॉडी का ही मैनुअल नहीं मिलता है। तो मैनुअल होना ज़रूरी है। तो ये एक आपको एक मैनुअल दे रहा हूँ कि कैसे मेमोरी को डिलीट करना है। आप कोई समझे नहीं, अरे हम भी नहीं समझे, करना पड़ेगा, जब तकलीफ आएगी तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। हाथ बंद करिए, हाथ बंद करिए, करिए ला 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 ला, करिए जो भी करिए, कुछ करिए, बीच बीच में ब्रीदिंग लीजिए, आंख बंद रखिए एंड डू इट कंटिन्यू, यू विल सी द एक्सपीरियंस व्हाट यू विल गेट, करके मुझे बताइए
Mm-hmm.